बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है, उनके द्वारा वाहन से उनको कंप्लेंट दिया था और ये चाहा कि हम उस पर कार्रवाई करें। इसमें एक ही कैच था कि वो जापानीज नागरिक जो है भारत आने की स्थिति में नहीं था, पर कंप्लेनेंट और कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट सब जापान में ही बैठ के वो दे देंगे। तो उसका लीगल जो एस्पेक्ट्स हमने एग्जामिन करने के बाद वो सब तरीका पता किया और उनका ईमेल से उनका परिवार प्राप्त किया। उसके बाद में वो जो घटनाक्रम उसने हमें बता दिया उसका पूरा तस्दीक किया और उसके खिलाफ जो भी अपराध किया है उसको ढूंढने में और उसको कुछ लोगों को दस्तयाब करने के लिए जयपुर उत्तर का पुलिस और पर्यटन थाना का पुलिस सफल हो गया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। घटनाक्रम ये है कि पिछले 2022 दिसंबर को ये व्यक्ति जिसका नाम है तकेशी सासो भारत आए थे, वॉल्ट सिटी में एक होटल है मोरवी इन, वहाँ उन्होंने रुक गया, वहाँ उन्होंने बुकिंग करके वहाँ रह रहा था। तो अगले दिन ये जो टाउट्स है लपके जो है उनके संपर्क में आ गया। सबसे पहले जो संपर्क में आ गया वो उनको शहर के कुछ जो साइट सीइंग वगैरह करवाया, धीरे धीरे उनके जो साथी लोग उनसे मुलाकात करवाया और उसके कॉन्फिडेंस ले पाया। उसके बाद उसको गंगा जी लेके जाने के बहाने से उनको यहाँ से सीकर में रामगढ़ शेखावती लेके गए। वहां पे उनके साथ उन किसी एक के घर पे रुकवाया। वहां एक दिन बाद वहां पे दो फर्जी पुलिस वाले भेजा, पुलिस वाले जाके उनके साथ वहां रात को दो पुलिस वाले जाके बताया कि आप लोग यहाँ मादक पदार्थों का सेवन कर रहा है। इस तरह का उनके मन में भय पैदा किया कि ये बहुत बड़ा अपराध है भारत में, 10-12 साल तक आप बिना जमानत जेल में जाएगा और उसको उससे बचाने के लिए आपको आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर जितना भी क्रेडिट लिमिट है उसमें पूरा लिमिट मैक्सिमाइज करके गोल्ड खरीद के हमें देना है। इस तरह के उसको डरा के धमका के वापस जयपुर ले आया, जयपुर में कुछ ज्वेलरी शॉप से खरीदारी करवाया और करीबन 26 लाख का गोल्ड का खरीदारी करवाया। उसका क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट हो गया। उसके बाद उनको अगले दिन दिल्ली भेजा गया, उस दौरान 3 लाख और रुपया प्राप्त किया। तो कुल मिला के करीबन 31 लाख उस बेचारा जापानी नागरिक से इन लोगों ने गबन किया। वो एकदम ट्रॉमेटाइज्ड होके इंडिया से वापस जापान गया। कुछ दिनों तक वो सदमे में था, शॉक में था कि इस तरह का भी घटनाक्रम हो सकता है क्या। आखिर में वो हिम्मत जुटा के उसके एम्बेसी में गया, एम्बेसी द्वारा इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट किया दिल्ली में और वो हमारे पास आ गया और हम उनका मुकदमा दर्ज करके अभी तक 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस टोटल कॉन्स्पिरेसी में 6 लोग हैं या 7 लोग, 6 लोग हैं, जिसमें एक आदमी का मृत्यु हो चुका है, एक का गिरफ्तारी अभी भी शेष है। अभी इसमें ये पूरा जो क्राइम करते हैं इसको डब्बाबाजी का नाम दिया गया है और काफी टाइम से ये बहुत सारे टूरिस्ट के साथ ये क्राइम कर रहे हैं इस तरह का, तो ये जयपुर पुलिस के सामने एक चुनौती थी क्योंकि जो क्राइम इंसिडेंट भी पुराना था और जो कंप्लेनेंट था वो भी बाहर जा चुका था, तो इसलिए इसको बहुत ही सेंसिटिविटी को देखते हुए हमने इस पर त्वरित कार्रवाई, सिटी साहब के निर्देश थे और पर्यटक थाना और एडिशनल साहब के द्वारा काफी इसमें जागरूकता और सेंसिटिविटी दिखाते हुए इसको पूरे इस डब्बाबाजी क्राइम का भांडा फोड़ा गया और इसमें और भी जो लोग मुलजिम है उनको पकड़ा जाएगा और रिकवरी अभी इसमें की जाएगी। इसमें जयपुर में विदेशी पर्यटकों के साथ साथ ये जो डब्बेबाजी का जो क्राइम होता है वो मोस्टली अनरिपोर्टेड होता है क्योंकि वो अपने अपने देशों में वापस चला जाता है और सोचता कि यहाँ पे उसका रिकवरी नहीं होगा, जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होता। अपराधी भी
इस कारण से उनका हौसला बुलंद हो जाता है कि हम तरह तरह का विदेश के लोगों के साथ इस तरह का चीटिंग करते रहता है। तो हमारे पास जब ये इंफॉर्मेशन आ गया तो हमने डिसाइड किया कि इस बार कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन मिला, तो उन्होंने ये कहा कि स्पेसिफिक डिटेल्स भी दिया कि जिस ऑटो रिक्शा में सबसे पहले जो आ गया उनको चीटिंग करने वाला गिरोह का पहले सदस्य, उसके पूरा हुलिया दिया, ऑटो रिक्शा का डिटेल्स दे दिया। और ये केस हमने रेफर किया डीसीपी नॉर्थ को कि इसको ईमेल के आधार पर जो कंप्लेंट मिला है इसको ऐसे एफआईआर के रूप में दर्ज करके कार्रवाई शुरू करे। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ रानू और जयपुर पर्यटन थाने का वर्तमान एसएचओ द्वारा बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया और बहुत कम समय पर जो टोटली अज्ञात ब्लाइंड लोगों को पता करके कौन कौन ने पता करके उसको अभी दस्तयाब किया है। सर ये 26 लाख अभी उनको गिरफ्तार किया है तो 26 लाख वर्थ ऑफ गोल्ड जो परचेज किया है इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंटरीली एस्टेब्लिश्ड है, उसको रिकवरी करना है। वो आगे पता चल जाएंगे कि वो उसको कैसे यूज किया, किसको आगे दे दिया, वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी इन लोगों को जस्ट हमने ये जो कॉन्स्पिरेसी खोला है जापानीज के अलावा कौन कौन से विदेशी देशों का नागरिकों के साथ इस तरह का गिरोह ने काम किया है ये भी खुलासा करेंगे जल्दी। चार लोग जो अरेस्ट हो गए, एक शरीफ खान है, एक कयूम है, एक असगर है, और एक है? तीन है, मुबारक को भी करना है, मुबारक। हाँ, तीन लोग अरेस्ट हो गया तो उसमें एक शेष है और एक का डेथ हो गया। सारे बैकग्राउंड सब कुछ है, ये इस जयपुर शहर में ऑपरेट करते थे। आपको पता है जयपुर शहर में आप जब घूमेंगे कई कई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो स्पैनिश नागरिक से बेटर स्पैनिश बोलता है, जर्मन से बेटर जर्मन बोलता है, जापानीज से बेटर जापानीज बोलता है, तो ये उनका जो कोचिंग जो हुआ है उसका वो फायदा उठाता है। और जो वहां से जो नागरिक आता है वो सोचेंगे कि हमारा भाषा बोलने वाला यहाँ बहुत मिला है, वो पूरा उसके ऊपर ट्रस्ट देता है और उनका जो जाल जो बिछाते हैं उसमें फंस जाता है। नहीं, जो गोल्ड परचेज हुआ है वो रेप्यूटेड ज्वेलरी स्टोर है जयपुर का, दो ज्वेलरी स्टोर से वहां पे क्रेडिट कार्ड के द्वारा जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, तो उसको स्टोर वालों को कोई जिम्मेदारी नहीं, स्टोर वाला इनफैक्ट हमारा गवाह बन जाएंगे। मैं इसीलिए आज आप लोगों को इधर बुलाया कि आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता कि फॉरेन टूरिस्ट के साथ इस तरह का जब चीटिंग होता है उसको हम बैक बर्नर में नहीं रखेंगे, हम ये सतर्कता से प्रोएक्टिवली उस तरह का गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पीछे पड़ेंगे। क्योंकि तो जो टूरिस्ट फ्रेंडली जो डेस्टिनेशन के रूप में जयपुर माना जाता है उसका जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर हम ध्यान रखेंगे। तो अच्छा हुआ ना अभी नजर आ गया। सर एक और चीज, हां, कार्य सत्र के साथ कुछ मारपीट की शिकायत भी थी, दो काउंसलरों को पकड़ा गया, जोधपुर के दो काउंसलर को ले गए, उन्होंने आरएस के रूप में मुझे जड़े उन्होंने और इस तरह की घटनाएं जो कि नगर में प्रताप को जो खड़ना किया है उनको राउंड अप करके उसके खिलाफ कार्रवाई हेतु ज्योतिनगर थाने में लेके गया, उसका आगे जो भी रिपोर्ट मिलेगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। ईमेल में तो कार्रवाई तो होता है लेकिन उसके आगे का कार्रवाई जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर जो प्रिस्क्राइब है ईमेल में उनका स्टेटमेंट आएगा 161 का, वो स्टेटमेंट को
हम इंडिपेंडेंट विटनेसेस के समक्ष उसको प्रिंट आउट लेंगे, वो एडमिसिबल होगा कोर्ट में। तो उसके लिए वो जो कंप्लेनेंट है उसको इंडिया आने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, जो पीड़ित है वापस इतना दूर आना है ये सोच के रिपोर्ट ही नहीं करता है, इसका फायदा इस तरह का तत्व द्वारा उठा के और क्राइम कमिट करता है।